9 दिसंबर ये एंटी करप्शन डे के तौर पे माना जाता है, जिसमें और जानकार ये भी बहुत हैरत होंगी भी कि जहाँ से सारे बच्चे उस दर्सगाह से पढ़कर निकलते हैं, मदारिस और स्कूलों के वहीं पर ही सबसे ज़्यादा जॉइनिंग के वक्त में करप्शन जैसी चीज़ें सामने आती है कि फला सीट के लिए इतने लाख रुपए दे दो। तो यहाँ पर ये शर्म ना कलमिया है, हर वो सपोर्ट कर रहा है जो कि तालेबे को पूरा करके वहाँ पर लग जाता है। फिर ये होता है कि समाज का मुस्तकबिल है आने वाले बच्चे, जिनमें जो ऑलरेडी जॉब्स पर लगे हुए होते भी हैं, तो उनको सही टीचर नहीं मिल पाता। आजी पसमानदगी सिर्फ का मीटर जारी रखने के लिए, जो लोग पूरा करने के लिए रकम ऑलरेडी तैयार रखते हैं, तो इससे जो एक्चुअल टीचर्स हैं जिनका हक है, तो उनको सीट्स नहीं मिल पा रही। इसके के कई टीचर्स सीटेड टीईटी भी क्वालिफाइड है, और यहाँ तक के जहाँ तक अभी फ़िलहाल में टीईटी भी नहीं है, तो वो भी टीचर्स को देते हैं जो कि उनका मुतालबा पूरा करने के लिए होते हैं। तो ज़रूरत है उन टीचर्स को और उन लोगों को भी कि जो लोग उनके मुतालबात को पूरा कर देते हैं, जो नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये करना चाहिए कि एंटी करप्शन ऑफिस में जाकर उसकी जो भी फॉर्मेलिटी या तो रकम रखना होती है वहाँ पर, वहाँ से उनके पास से जो रकम है उसको लेकर रंगे हाथों गिरफ्तारियों का सिलसिला जिस दिन से चालू हो जाएगा, उस दिन से शायद ये में इस तरह की करप्शन वाली मनहूसियत खत्म हो सके। को शेयर कीजिए और इस तरह से करप्शन के खिलाफ खड़े रहिए, ताकि बुनियादी मकसद इनकम का मीटर चालू रखना रहा, तो ये सारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ रहेगा। बात को पूरा करने में इनकी डिमांड और मुतालबात में कमी तो नहीं, बल्कि ज़्यादती आते जाएंगी, और दिन दहाड़े की तरह रेट लगाकर सीटें फरोख्त की जाएंगी। वक्त है चेंज लाने का और सबक सिखाने का, और इस तरह से कमर होने का 9 दिसंबर 2024 को में 24 तक भी अगर किसी ने ये सर अंजाम दिया, तो बहुत दूर नहीं है वो दिन जिस दिन टैलेंटेड टीचर्स को सीट मिलेंगी, और उसी तरह से तुलबा का भी, तुलबा और तालिबात का भी मुस्तकबिल रोशन दिखाई देगा, वरना हर तरफ अंधेरा छा जाएगा।